कैसे हो कैसे हो। आज ऑफिस ख़त्म करने के बाद मैं चली गई मंदिर मम्मा के साथ, और ये साई बाबा मंदिर है। और ये डॉग देखो कितने आराम से लेटा हुआ है। और ये आ गई मम्मा वापस प्रसाद लेके। हाय गाइस, आज हम आए हुए हैं मंदिर। बहुत टाइम बाद थोड़ा दूर आई हूँ घर से, और ये लाइट वाले मच्छर मुझे बहुत ही परेशान कर रहे हैं, और मुझे बहुत ऑकवर्ड फील हो रहा है यहाँ पे व्लॉग करने में। अब हम निकल पड़े सबको प्रसाद बांटने, और उसके बाद हम जाएंगे वॉक पे, क्योंकि मैं बहुत टाइम से वॉक पे नहीं गई हूँ। दिख भी नहीं रहे। ये जब जॉब खत्म होती है ना, सर्विस क्लास लोगों वाली बात, तब भी हम आ सकते हैं पार्क। हरे हरे एलियन की तरह दिख रहे हैं। नहीं, मेरे मिरर्स शाइन हो रहे हैं, पता पड़ रहा है। हाँ, अभी लाइट में घुसेंगे ना पार्क में। ओ देखो, अब दिख रहे हैं। हाय फ्रेंड्स, वॉक टाइम। अभी हम वॉचमैन भैया से बात कर रहे थे। हमारी गली में एक डॉगी है जो काटता है सबको, और वो हमारी जो कार है ना उसके नीचे ही घुस के सोता है। तो भैया बता रहे थे, बताओ आप क्या बता रहे थे भैया? क्या बता रहे थे भैया? कि उनसे डरता है वो। हाँ, तो जब भी भैया की शिफ्ट ख़त्म होती है तभी वो इस गली में घुसता है, वरना डरता है उनसे। मैं भैया से कह रही थी कि उसको गेट से बाहर करके गेट बंद कर दो, तो वो कहते हैं कि जब मैं आता हूँ उसको पकड़ने के लिए वो छुप जाता है और मेरे सामने कभी नहीं आता। हाँ, क्योंकि उसके हाथ पे डंडा होता है ना, तो उसके सामने वो आता ही नहीं है। सही में, और हमें तंग करता है जब हम आते हैं बाहर, तो ऐसे पड़क करके बाहर आ जाता है। हाँ, आज मैं इतने टाइम अभी हो रहा। अरे आपको दिखा, यही है वो डॉग जिसने बहुत सारे लोगों को काटा है हमारी कॉलोनी में। और फिर मैंने सोचा बस थोड़ी सी जल्दी जल्दी वॉक करती हूँ और फिर घर चली जाती हूँ ताकि मेरे को ना काटे। हाय गाइस, गुड मॉर्निंग। आज मैं बना रही हूँ कढ़ी बहुत टाइम बाद, और मेरे को कढ़ी बहुत पसंद है, और इसमें मैं थोड़ा सा राजस्थानी टच देने वाली हूँ, देखना कैसे। इसके आगे हम नेक्स्ट टाइम देखेंगे, और अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कमेंट शेयर और सब्सक्राइब कर देना। बाय।